अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे रेगुलरली मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी, मेरे व्यूअर ने एक रिक्वेस्ट किया था मुझसे डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ इग्नेशिया अमारा के ऊपर। तो आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं वो है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया एक वेजिटेबल किंगडम से ब्लॉन्ड रेमेडी है। ये जिस फ्रूट से बनती है उस फ्रूट के अंदर एक एल्कलॉइड पाया जाता है, जिस एल्कलॉइड का नाम स्ट्रिक्निन है। अब एक और रेमेडी है होम्योपैथी में जिसका नाम है नक्स वोमिका। ये भी जिस फ्रूट से बनती है उसके अंदर भी स्ट्रिक्निन होता है। तो मैंने सोचा कि मैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ इग्नेशिया अमारा बताने के साथ साथ मैं आपको यहां पर इग्नेशिया और नक्स वोमिका दोनों को कंपेयर भी करूंगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इग्नेशिया अमारा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर अलोंग विद कंपैरिजन ऑफ नक्स वोमिका। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि नक्स वोमिका और इग्नेशिया जिस फ्रूट से बनती हैं उस फ्रूट के अंदर एक एल्कलॉइड पाया जाता है और उस एल्कलॉइड का नाम होता है स्ट्रिक्निन। पर इनमें डिफरेंस क्या है? इग्नेशिया अमारा का जो फ्रूट होता है उसके अंदर स्ट्रिक्निन लार्ज अमाउंट में पाई जाती है, जबकि नक्स वोमिका जिस फ्रूट से तैयार होती है उसमें स्ट्रिक्निन स्मॉल अमाउंट में पाई जाती है। इससे इनके सिम्टम्स पर क्या प्रभाव आता है? जब हम लार्ज अमाउंट में स्ट्रिक्निन का उपयोग करेंगे तो ये स्ट्रिक्निन हमारे सीधे हार्ट तक जाएगा, और जब हम स्ट्रिक्निन का इस्तेमाल स्मॉल अमाउंट में करते हैं तो वो हमारे ब्रेन तक जाता है, नर्वस सिस्टम को ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? इग्नेशिया अमारा जिस फ्रूट से बनती है वो उसमें स्ट्रिक्निन लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, एक तो ये याद रखिए। नक्स वोमिका जिस फ्रूट से बनती है उसमें स्ट्रिक्निन स्मॉल अमाउंट में है, इसलिए वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर ज्यादा एक्ट करती है। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखिएगा आगे के वीडियो को समझने के लिए। अब ये स्ट्रिक्निन करता क्या है हमारी बॉडी में? स्ट्रिक्निन जब ह्यूमन बॉडी में जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है हाइपर सेंसिटिवनेस। अब चूंकि इग्नेशिया अमारा में स्ट्रिक्निन हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, इमोशनल लेवल को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, इसलिए इग्नेशिया अमारा का एक नेचर होता है कि वो बहुत हाइपर सेंसिटिव लेडी होती है। इग्नेशिया अमारा की एक फीमेल होती है और वो बहुत हाइपर सेंसिटिव होती है, पर ये जो हाइपर सेंसिटिवनेस है वो उसके इमोशनल लेवल की है, ये हाइपर सेंसिटिव उसके हार्ट के लेवल की है। इसलिए आप देखिए, इग्नेशिया अमारा किसी भी प्रकार के इमोशनल ट्रोमा को नहीं सहन कर पाती। कोई फियर हो, कोई ग्रीफ हो, किसी की डेथ हो जाए, है ना, कोई आपके साथ चीट कर दे, तो इग्नेशिया अमारा को ये बात सीधे दिल पर लगती है और वो इस बात को सहन नहीं कर पाती, और इसकी वजह से जो भी पैथोजेनेसिस हमारी बॉडी में पैदा होती है उनमें हम इग्नेशिया अमारा देते हैं। मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो कि सडन ग्रीफ या सडन कोई चीज देखने से हुआ हो। इसलिए इग्नेशिया अमारा का रिएक्शन क्या होता है, जब भी वो किसी को देखेगी जो बात उसको बुरी, इस तरीका का एक रिएक्शन होता है उसका।
अब स्ट्रिक्निन जैसा कि मैंने कहा नक्स वोमिका के फ्रूट में भी पाया जाता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में होता है, इसलिए उसका अफेक्ट आपके ब्रेन पर ज्यादा होता है। और चूंकि स्ट्रिक्निन हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है बॉडी पर, तो नक्स वोमिका ब्रेनी पीपल होता है, वो इमोशनल लेवल का आदमी नहीं है, वो ब्रेनी आदमी, ब्रेनी मतलब ब्रेन का उपयोग करता है। इसलिए आप देखिए नक्स वोमिका के अंदर इरिटेशन ज्यादा पाया जाता है, इरिटेबिलिटी पाई जाती है। इवन इतना भी कहते हैं कि अगर नक्स वोमिका अपने ऑफिस में एंटर कर रहा है और अगर शूज भी प्रॉपर नहीं रखे तो वो अपने सर्वेंट को डांट देगा कि यहां गंदगी हो रही है, ये शूज प्रॉपरली क्यों नहीं रखे हैं, आप इनको प्रॉपरली रखिए, या खुद के भी शूज अगर गलत रखे हुए होंगे तो उनको शूज को भी प्रॉपरली लगा, मतलब उसको हर चीज प्रॉपर वे में चाहिए। जरा भी अगर वे में कोई चीज नहीं होगी तो वो इरिटेट हो जाता है। इस नेचर को हम फास्टिडियस नेचर भी कहते हैं। तो ये सिर्फ फास्टिडियसनेस में इरिटेशन नहीं दिख रहा, अगर आप नक्स के पेशेंट को कुछ भी थोड़ा सा बोल दो तुरंत गुस्सा हो जाता है। तो स्ट्रिक्निन ने नक्स वोमिका के अंदर इरिटेशन प्रोड्यूस किया है और इग्नेशिया अमारा के अंदर सेंसिटिविटी उसने इमोशनल लेवल पर प्रोड्यूस की है। इग्नेशिया अमारा को बातें जल्दी जल्दी बुरी लग जाती हैं और वो उन बातों को झेल नहीं पाती, ऐसा स्ट्रिक्निन की वजह से होता है, क्योंकि स्ट्रिक्निन हमारे अंदर एक हाइपर सेंसिटिवनेस लेके आता है। और नक्स वोमिका को ब्रेनी पीपल बोला जाता है क्योंकि वो ब्रेन को अफेक्ट करती है। इसलिए अगर हम फिजिकल लेवल पर इग्नेशिया अमारा को या नक्स वोमिका को देखें तो आप देखिए इग्नेशिया अमारा इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर शॉक। खास करके ये किस प्रकार के शॉक के लिए होती है, पहले तो शॉक समझिए, व्हाट इज शॉक? शॉक इज द सर्कुलेटरी फेलियर। जैसे आपने किसी से कहा कि आपके तो पति की डेथ हो गई और बेहोश हो गई, आपने उसका ब्लड प्रेशर लिया तो ब्लड प्रेशर गिर गया, मतलब प्राइमरी शॉक। जब आप किसी को कोई शॉकिंग न्यूज देते हैं और मरीज अपने इमोशनल लेवल पर उसको झेल नहीं पाता और उसका वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाता है और उसकी बॉडी का जो हार्ट है वो चलना धीमा हो जाता है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, जिस वजह से ब्लड प्रेशर गिर जाता है। इसलिए इग्नेशिया हमारा शॉक के लिए जानी जाती है क्योंकि वो दिल के लेवल पर चीजों को झेल नहीं पाती। अगर हम नक्स वोमिका की बात करें तो नक्स वोमिका पर हाइपर सेंसिटिविटी चूंकि ब्रेन के लेवल की है, इसलिए जरा जरा सी बात पर नक्स वोमिका को कन्वर्जन आना चालू हो जाते हैं। अगर हम फिजिकल लेवल पर इस हाइपर सेंसिटिविटी को देखें तो मेंटल लेवल पर हाइपर सेंसिटिविटी एंगर और इरिटेशन के फॉर्म में थी, फिजिकल लेवल की हाइपर सेंसिटिविटी नक्स वोमिका में कन्वर्जन के फॉर्म में है, इसलिए नक्स वोमिका को बहुत जल्दी कन्वर्जन आते हैं। और इग्नेशिया हमारा में अभी हमने क्या देखा कि उसकी मेंटल लेवल पर जो हाइपर सेंसिटिविटी थी वो थी बातें जल्दी जल्दी बुरी लग जाना, और फिजिकल लेवल पर हाइपर सेंसिटिविटी हमने कैसा देखा, इन फॉर्म ऑफ शॉक। तो इग्नेशिया अमारा के जो सिम्टोमेटोलॉजी है उसके पीछे बेसिक थीम है हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ द इमोशनल लेवल, और ये जो हाइपर सेंसिटिवनेस है वो स्ट्रिक्निन एल्कलॉइड के कारण पाया जाता है, जो कि ज्यादा अमाउंट में लेने पर उसकी पॉइजनिंग हो जाती है हमको और हम मरीज हाइपर सेंसिटिवनेस हो जाती है उसकी इमोशनल लेवल की। तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर दोस्तों। आशा करता हूं आपको स्ट्रिक्निन के इस बेसिक नेचर से इग्नेशिया अमारा समझ में आएगी और आप इसको नक्स वोमिका से भी डिफर कर सकते हैं। इसलिए जब आप नक्स में ये देखेंगे कि इसमें भी स्ट्रिक्निन होता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और मुझे इसी तरीके से नए नए वीडियो बनाने के लिए एनकरेज करते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।